पूरा दिल्ली एनसीआर फिलहाल कोहरे की चादर में साफ तौर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कई सारी ट्रेनें हैं और जो फ्लाइटें हैं उन पर भी साफ तौर से असर पड़ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन की, हम फिलहाल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे और बाएं ओर देख पाएंगे आसमान में काफी ज्यादा जो कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर से यहाँ पर लिपटी हुई नजर आएगी। ठंड का मौसम चल रहा है और इसके अलावा कोहरा भी काफी परेशान कर रहा है लोगों को, जिसके चलते कई सारी जो ट्रेनें हैं वो अपने समय से काफी ज्यादा लेट चल रही हैं, जिसके चलते आप स्टेशन पर देख पाएंगे यात्रियों की जो भीड़ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक तकरीबन 15 के आसपास जो ट्रेन है वो अभी फिलहाल लेट चल रही है। कुछ ट्रेन जो है 6 घंटे लेट, या फिर कुछ ट्रेनें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7-8 घंटे से ज्यादा तक की जो देरी है उसके हिसाब से चल रही है। तो साफ तौर से जिस हिसाब से पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट कर रखा है, उसके बाद लगातार जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही हैं और साफ तौर से यात्रियों को भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से पूरे कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है, तो यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना इस कोहरे के चलते करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और जिसका साफ तौर से असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। कई सारी ट्रेन अपने समय से काफी घंटे देरी से चल रही हैं। हम फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। एक परिवार है जो मथुरा जा रहा है लेकिन ट्रेन लेट है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार साव है। हम लोग नई दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं। हमारी ट्रेन 7:20 पर थी। कोहरे के कारण ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट है। अभी सूचना मिल रही है ट्रेन 9:05 पर आएगी 10 नंबर पर, तो हम लोग उधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या कोई मैसेज आया था या फिर जब स्टेशन पहुंच गए तभी जानकारी? स्टेशन पहुंचने पे जानकारी मिली है। पहले से कोई मैसेज नहीं था ट्रेन लेट का। हम लोगों ने भी चेक नहीं किया ऐप वगैरह में, उधर से भी कोई मैसेज नहीं मिला। घर से मैसेज आ जाता तो फिर थोड़ा लेट से घर से निकलते। कहाँ रहते हैं दिल्ली? महिपालपुर। आप कुछ बताना चाहेंगे? ठंडी ज्यादा है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। समय से पता चल जाता तो फिर घर से आराम से निकलते, यही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का शाह है। अच्छा, ठंडी बहुत है ना? हाँ। ट्रेन भी लेट हो गई है? हाँ। अच्छा लग रहा है? पूरा फील हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो जिस तरह से जो लोग हैं वो भले ही अपने एक नई दिल्ली से मथुरा जाने के लिए जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से कोहरे की मार पूरा दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत झेल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं और साफ तौर से कई घंटे जो लेट चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को पहले आकर स्टेशन पर वेट भी करना पड़ रहा है। और अब जैसा जानकारी मिली है उनका कहना है कि 7:30 के आसपास ट्रेन थी, अब 9 के बाद ट्रेन आएगी, तो जाहिर सी बात है 2 घंटे लेट ट्रेन जो है वो तकरीबन जो इनकी है इनके परिवार की वो चल रही है। और अगर अलग अलग ट्रेनों की बात की जाए तो अब तक जो जानकारी निकल कर आई है तकरीबन 15 ट्रेन जो है वो अपने समय से काफ़ी घंटे देरी से चल रही हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष धारीवाल। कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं? हम दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है। सुबह 4 की ट्रेन थी हमारी, और जो कि अभी अभी चेक करा तो 11:05 का टाइम दिखा रहे हैं अभी, और शायद अभी और भी आधा घंटा लेट हो जाएगी, चांसेज है। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली नहीं, मैं मोहननगर से आया हूँ, गाजियाबाद से। अगर समय पे मैसेज आ जाता तो इतने ज़्यादा ट्रेवल करके अभी जल्दी ना आना पड़ता, क्योंकि अभी 8:30। हाँ, भरोसा नहीं होता कि थोड़ा जल्दी भी आ सकती है, और रेलवे की तरफ से कोई गारंटी तो इस चीज़ की है नहीं कि आप लेट आएंगे तो ट्रेन निकल गई तो कुछ हो है, तो इसलिए टाइम से पहले ही चलना पड़ता है। पूरी रात जगनी पड़ी होगी, जाग कर चेक कर अपडेट लेते? बार बार चेक करना पड़ा हर आधे घंटे में, वो तो हुआ। चाहते हैं कि मतलब समय पे अगर मैसेज आ जाए तो फिर इससे आसानी होगी लोगों को, आम लोगों को, आपको भी आसानी होगी और बाकी लोग भी जो रात भर जगते हैं ट्रेन लेट हो रही है, समय पर अगर मैसेज पहुंचे। हाँ, रेलवे अगर कन्फर्मेशन दे, एग्जैक्ट कन्फर्मेशन कि भाई इस टाइम पे ट्रेन आएगी, इससे पहले नहीं आएगी तो अच्छा है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है और इसकी सबके बीच ट्रेन है। ठीक मैम, अपना नाम बताइए। निशी धारीवाल। साथ में इस तरह की परेशानी हो रही क्योंकि रात भर आपने भी जगी होगी, उसके बाद यहाँ पर रात भर जगे हैं, बार बार उठ के चेक करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर टाइम से आप मैसेज दे दोगे तो एट ए टाइम आ जाएंगे, अभी पहले आना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रेन आगे चली जाएगी तो आप लोग क्लेम भी नहीं कर सकते और उनको बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए अगर पहले से मैसेज दे दे तो अच्छा है। तो ठंडी में बहुत सारी परेशानी होती है। साफ तौर से जिस तरह से
कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर साफ तौर से है, और जिसके चलते कई सारी जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हो रही हैं। लोग भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि रेलवे की तरफ से कि समय पर अगर उन्हें जानकारी मिल जाए तो उन्हें परेशानी ना हो। कई सारी जो ट्रेनें हैं वो 7 घंटे 8 घंटे तक लेट हैं, लेकिन जो लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उन्हें सही से जानकारी नहीं मिलने की वजह से वो स्टेशन पर आकर अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। संजय बंसल। संजय जी, आप कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? मैं न्यू दिल्ली से कोसी। अच्छा, आपकी ट्रेन कितने बजे आनी थी और अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अब ट्रेन आपकी कितने बजे? 7:20 पे ट्रेन आनी थी, अब आ रही है 9:40 पे, तकरीबन 2 घंटे लेट। मुझे बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी कि ट्रेन आपकी लेट हो जाएगी, आप घर से? शेयर थी, हमें मालूम था, लेकिन क्या है फिर भी हमें पहले आना उचित समझा। कई बार ऐसा होता पीछे से सिग्नल फ्री मिल गया, रास्ता साफ मिल गया तो ट्रेन जल्दी भी आ सकती है, इस बारे हम थोड़ा पहले आ गए। छूट जाएगी तब तो रेलवे कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं? रेलवे की तो छूटने के बाद किसी की भी जिम्मेदारी है, चाहे रेलवे हो चाहे हवाई जहाज हुआ, वो आपका फॉल्ट है, तो अब क्या कर सकते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक जी सर, आपका नाम? हमारा नाम प्रमोद खैर है। कहाँ से सर ट्रैवल कर रहे हैं? हम पुणे से आए, हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से हमारा मालवा का 4:15 का ट्रेन था, तो अभी 4:15 सुबह 4:15 का ट्रेन था, तो अभी पहले ही बोल रहे थे 1 घंटा लेट है, बाद में बोले 2 घंटा, अभी बोले 3 घंटा, अभी बोल रहे 5 घंटा, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो अनाउंसमेंट भी बराबर नहीं है और गाड़ी का टाइमिंग भी, वो अंदर गए स्टेशन मास्टर को पूछने के लिए, बोलते बाहर पूछो, मतलब हमारा बहुत परेशान हो रहा है। ये सब मैसेज नहीं आपको मिला? मैसेज ऐसा ही नहीं, कुछ नहीं मैसेज मिला, वो खाली 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 6 घंटा 10 10 घंटा ऐसा ही जा रहा है। अभी हमें आगे भी जाना है, कटरा माँ वैष्णो जी का दर्शन लेके फिर आगे श्रीनगर जाना है हमें, तो पूरा हमारा शेड्यूल बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गया अभी। जी आपका नाम क्या? वही मैं उनके साथ ही है, हाँ साथ में ही है सर। हम भी साथ में, राहुल बोल रहा हूँ मैं। ये स्टेशन मास्टर सब बराबर उत्तर देते नहीं है, कुछ नहीं, सब इधर उल्टा उल्टा कर देते हैं, बस उतना ही बोलते हैं, फॉग है फॉग है। तो कितना टाइम हम रुकेंगे? अभी कितने बजे की जो आप जानकारी मिल रही है कि आपकी ट्रेन यहाँ से निकलेगी? हम लोग को बोले कि 2-3 घंटे में आ जाएगी, लेकिन वो बोलते फिर हम लोग भरोसा नहीं बोल सकते, 2 बजे आएगा 3 बजे घंटे आएगा वो बोल नहीं सकते, वो बोलते इसकी बहुत दिक्कत आ रही है हम लोग को। ये ठंड ज्यादा है, कोहरा भी है, लेकिन सही जानकारी ना मिलने की वजह से इस तरह परेशान? हाँ बहुत सारी परेशानी रही उसकी वजह से। हम लोग 2:30 बजे इधर आए, सुबह 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे से अभी तक बैठे, अभी तक हमको यही गाड़ी आने वाला, 1 घंटा लेट है, 1.5 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, उधर टाइमिंग बताता है कभी 7:30 बजे आएगा, बाद में बोलते हैं 9:30 बजे आएगा, अभी बोलते हैं 10:30 बजे मैसेज आया, अभी वो बोलते हैं वो 11:30 बजे तक पक्का आएगा, अभी पक्का आएगा बोलेगा तो वो बोलते हैं वो बोल नहीं सकता है, आप बाहर जाके पूछताछ करो बोलते हैं। साफ तौर से जो यात्री हैं जो दिल्ली से लेकर जम्मू माता वैष्णो देवी तक की यात्रा कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि सुबह उनकी 4:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन अब तक ट्रेन के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और इंक्वायरी पर अगर जाते हैं तो वहाँ से जानकारी मिलती है 1 घंटे लेट 2 घंटे लेट, लेकिन कितनी लेट है ट्रेन उनकी इस बारे में सही जो जानकारी है उन्हें नहीं मिल पा रही है, और जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, VP News, दिल्ली।